राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति महाराष्ट्र की 163वीं समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के साथ सह्याद्री गेस्ट हाउस मुंबई में आयोजित की गई। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए राज्य की 41,286 करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का अनुमोदन किया गया। महाराष्ट्र एक कृषि प्रधान एवं प्रगतिशील राज्य के रूप में जाना जाता है। किसानों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार हमेशा किसानों के पीछे मजबूती से खड़ी रही है। प्राकृतिक आपदा या कठिनाई के समय बैंकों को किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। बैंकों को किसानों को फसल ऋण देते समय सिबिल स्कोर के लिए बातें नहीं करना चाहिए। इस बैठक में कहा गया है कि अगर बैंक लोन देते समय सिबिल की शर्तें लगाएंगे तो बैंकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बैंकों से छोटे और सीमांत किसानों को फसल ऋण देने में शामिल नहीं होने की भी अपील की है। बैठक में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री दिलीप वरसे पाटिल के साथ राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अध्यक्ष और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुळामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये दोन बैठका झाल्या। एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी की बैठक होती, दूसरी खरीप पूर्व हंगाम बैठक होती। या दोन्ही बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा झालेली आहे। विशेषतः आज आम्ही रिझर्व बँकेच्या प्रतिनिधींना, स्टेट बैंकर्स कमिटीला हे सांगितलेलं आहे की प्रत्येक वेळी तुम्ही या बैठकीत सांगता की शेतकऱ्यांवर सिबिलची अट लागू करणार नाही आणि त्यांना सिबिल कारण देऊन त्या ठिकाणी तुम्ही कर्ज नाकारता हे खपवून घेतलं जाणार नाही। जे तुम्ही इथे सांगता तेच बँकांनी त्या ठिकाणी पाळलं पाहिजे आणि जर बँका अशा प्रकारे सिबिलची अट टाकणार असतील तर आम्ही त्यांच्यावर FIR दाखल करू आणि हे तुम्ही तुमच्या सगळ्या ब्रँचेसला कळवा असं स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यातल्या ज्या अडचणी आहेत त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।